21 अक्टूबर को अभिजीत यादव जो दारू सफा में रहते हैं उनकी मृत्यु की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी तो उनके परिवारिकजनों ने यह बताया कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक हुई है, इसलिए कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं, किंतु पुलिस को संदेह हुआ। इस आधार पर पुलिस ने उनका पंचायतनामा भरा, उसके बाद शव को पीएम के लिए भेजा। पीएम रिपोर्ट में पाया गया कि उनकी मृत्यु गला दबा कर की गई है, स्ट्रैंगुलेशन पाया गया। उसके बाद पुलिस विवेचना में जुटी और साक्ष्य जुटाना शुरू किया, उनके परिवारिकजनों से बात की, उनकी मदर से भी गहन पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि कल रात में उनका बेटा नशे की हालत में उनके साथ विवाद कर रहा था, अभद्र व्यवहार कर रहा था, इसी के बाद उन्होंने यह घटना कारित किया है। पुलिस को अन्य परिस्थितिजन साक्ष्य तथा पूछताछ से जो अब तक साक्ष्य मिले हैं उस आधार पर मृतक की मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साक्ष्य संकलन तथा अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।